हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सवी डॉट बी। और आज है संडे और आज है 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे। तो बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो नहीं मैं शुरू से शूट कर पाई, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। तो फिलहाल मैं दिखा देती हूँ कि अभी तक क्या बना है और क्या बनने वाला है और आज स्पेशल क्या है, आज सारा दिन क्या करने वाले हैं देखते हैं। फिलहाल तो सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी खाना ही बन रहा है, चाय वाय पी ली है मैंने। चलिए फिर पहले खाना वाना बना लेते हैं, फिर देखते हैं आज और क्या होने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ये है गोभी का मसाला, क्योंकि आज गोभी की गुजिया बनने वाली है तो उसके लिए हमने ये मसाला तैयार किया है। नए है दही बड़े, गुजिया तो हम बना रहे हैं पर उसके लिए सब्जी बनाना है। तो सब्जी हम बना रहे हैं राजमा और चने की, तो थोड़ी सी सब्जी बनेगी और ज़्यादा हमें इसका सालन चाहिए होगा। के 12:30 बज रहे हैं और सब काम वाम ख़त्म कर लिया है हमने और बाल धुल लिए और मेरी आँखों में ना शैम्पू चला गया। आँखें इतनी जल रही है मेरी कि क्या बता, अभी समझ में नहीं रहा कि क्या करें। सोच रहे थोड़ा गुलाब जल डाल लेते हैं, ठंड से भी लग रही है क्योंकि बाल धुले हैं। उस दिन बाल धुला था और मुझे जुकाम हो गया था, तो आज ऐसा नहीं करेंगे, छत पर जाएंगे, कम से कम 10 मिनट तक धूप लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। ये है नया चावल जो मम्मी ने धुला है फरे बनाने के लिए, तो इन्हें धुल के और फिर पिसवा के इसका आटा लेकर आएंगे और फिर उसके बनाएंगे फरे। देखिए फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, पेड़ों में फूल आने लगे हैं। अभी छत पे बैठे हैं धूप लेने के लिए क्योंकि काफ़ी सर्दी लग रही थी हमें। फिर जो गेहूँ का जो हमारा काम था वो अब ख़त्म हो चुका है, तो मम्मी ने कहा कि अब गेहूं तो ख़त्म हो चुका है पर अभी ठंडियों के मौसम में फरा बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग खाना और मुझे मम्मी को तो बहुत ही पसंद है, तो इसलिए चावल जैसे ही नया चावल आया, क्योंकि नए चावल का फरा काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने। और अभी धूप इतनी तेज़ लगी है ना कि आए हुए 10 मिनट हो गए हैं, ठंड भी लग रही है, भूख भी लग रही है, लेकिन खाना खाना है तो जा रहे हैं नीचे स्टॉल ले लेंगे और उसके बाद में आराम से खाना वाना खाएंगे। बाल भी गीला है, पानी भी निकल रहा है, तो 5 मिनट रुक के फिर चलते हैं नीचे और फिर खाते हैं खाना। काफ़ी टाइम से हमने अपना सिलाई का काम ख़त्म बंद कर दिया था, तो आज हम फिर से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े हैं, समझ में नहीं रहा कि पहले कौन सा शुरू करें, तो हम सोच रहे हैं कि पहले इस वाले कपड़े से शुरू करते हैं। तो ये इसका हमें कुर्ती बनाना है, तो आज हम इसकी ही सिलाई शुरू करेंगे और बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से दिवाली के बाद से मैंने कुछ भी करना बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि इधर उधर का काम और नहीं हो पा रहा था मुझसे। और दिवाली के पहले भी कुछ दिन पहले से ही सिलाई बंद कर दी थी क्योंकि घर का साफ़ सफाई और त्यौहार था तो नहीं हो पा रहा था। 5 बज गए थे सिलाई करते करते और मैं थक गई थी बिल्कुल। और फिर यहाँ पे हम अपने शरीर का थोड़ा एक्सरसाइज करते हुए, ताकि गला वाला बहुत दर्द करने लगता है। शाम के 5 बज चुके हैं और मेरी जो हालत है, और क्योंकि मेरी हालत देखिए, दोपहर में मैंने शैम्पू किया पर बालों में तेल नहीं डाला, कम ही नहीं करी, सारा दिन सिलाई लेके बैठी थी और अभी 5 बज चुके हैं और बहुत थक गई हूँ। हालांकि एक अच्छी चीज़ हुई है कि पापा ने हमें गर्मा गर्म चाय बना के पिलाई कि थोड़ा पी लीजिए क्योंकि आपको खांसी आती रहती है, तो ये चीज़ अच्छी हुई है, संडे का फ़ायदा हो गया आज थोड़ा। और अभी हम ये सब काम बंद करने वाले हैं क्योंकि 5 बजे के बाद मशीन नहीं चलाते हैं, मम्मी ऐसा बोलती हैं कि नहीं करना चाहिए शाम। और कल है एकादशी, तो एकादशी की तैयारियां आज से ही शुरू हो गई हैं। पापा ने शकरकंदी लाई, सिंघाड़े लेके आए हैं,
और गन्ना वन्ना जो है वो सब सुबह आएगा, क्योंकि गन्ना रखने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होता है, तो सुबह ही आएगा। और कल क्या है, क्या करने वाले हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। आज संडे है तो हमने अपना वीकेंड का वार बिग बॉस देखा, और फिर उसके बाद खाना खाया ही नहीं आज हमने, क्योंकि मन नहीं कर रहा था खाना खाने का बिल्कुल भी। तो हमने अपने लिए हल्दी वाला दूध गर्म किया, उसे पिया, और फिर मम्मी ने खाना वाना खाया। फिर हम लोग बातें कर रहे थे काफ़ी देर तक, क्योंकि कल एकादशी है तो उनकी तैयारियों के लिए भी बातें हो रही थी कि क्या क्या करने वाले हैं और एक क्या क्या तैयारियां रह गई हैं वो भी सुबह करनी है। हालांकि एकादशी हमारे यहाँ व्रत तो कोई नहीं रहता है, पर पूजा पाठ जो होता है वो करना रहता है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत तो तैयारी करनी ही पड़ती है। उसके बाद बस मम्मी फिर गई, सो गई, और फिर बाय बाय गाइस।